मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर भी पलटवार किया है और साथ ही उन्होंने बेनीवाल के द्वारा दिए जा रहे धरने को उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत बताया। गहलोत ने कहा कि बंजारा समाज ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था, जिसे हाईकोर्ट के आदेश से हटाने की कार्रवाई की गई, लेकिन अतिक्रमण दस्ते में शामिल व्यक्ति को वाहन चढ़ाकर मार दिया गया, जिसकी हनुमान बेनीवाल को चिंता नहीं है, लेकिन वो जनता को भड़काने में लगे हुए हैं। वहीं गहलोत ने कहा कि अब हनुमान बेनीवाल को समझना चाहिए कि अब वो एमएलए नहीं है, अब वो सम्मानीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल को हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर मृतक के परिजनों को सांत्वना देनी चाहिए। आप सिर्फ एमएलए नहीं हो, एमएलए थे, आपकी भूमिका अलग थी, उसके अंदर भी, उसके बाहर भी। आप सबको मालूम है कि उनके बोल क्या होते थे वसुंधरा के बारे में, अशोक गहलोत के बारे में, नेताओं के बारे में, क्या क्या आए थे। अब वो सम्मानीय मेंबर पार्लियामेंट बन गए हैं, उनका व्यवहार उसी रूप में होना चाहिए जिससे कि राजस्थान की, नागौर की, हनुमान बेनीवाल खुद की, उनका मान सम्मान बढ़े, उनके गरिमा बढ़े। बिना इश्यू के इश्यू बना के आप इस प्रकार से आप दबाव दोगे सरकारों पर, तो ये अच्छी परंपरा नहीं।